इसलिए जीवन पर्यंत तक वसुदेव और देवकी जो कि कृष्ण के माता पिता हैं, कितना बुरा समय है इनके ऊपर। अभी अभी विवाह हुआ है, देवकी ससुराल पहुंची नहीं है, फूलों की सेज पर कदम नहीं रखा, उससे पहले कांटों की सेज कारागार में प्रवेश किया। ये समय की मार नहीं तो क्या है? और एक और बात याद रखना, जिसने भगवान कृष्ण के माँ बाप को नहीं छोड़ा हो समय ने, वो आपको छोड़ेगा? हैं? समय किसी को भी नहीं छोड़ता, कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, राम को भी नहीं छोड़ा, बड़े बड़े युग पुरुषों को नहीं छोड़ा, तो फिर तुम तो और हम तो किसी खेत की कुछ भी नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए अच्छे समय पर भी अच्छा उपयोग करो, समय का अच्छा उपयोग करो। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। पल पल तेरा बीत रहा है, पल पल तेरा बीत रहा है, निकल जाए तेरे प्राण भैया, समय बड़ा बलवान भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए न जाने कब निकल जाए। देव की वसुदेव को नहीं छोड़ा तो हमें और आपको भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए बुरे समय से हमेशा डरिए। कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया, देवकी के 6 पुत्रों को, 7वें पुत्र के रूप में शेष अवतार श्री बलराम जी महाराज पधारे। सुखदेव जी कहते हैं योग माया के प्रभाव से बलराम जी महाराज को रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया, और वहां पर देवकी की गर्भ से रोहिणी के गर्भ में, और वहां बलराम जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोल बलराम जी महाराज की जय। और अब 8वें की बारी है। किसकी बारी है? मेरे प्यारे की बारी है, मेरे सांवरे की बारी है, मेरे सल्लोने सरकार की बारी है। और जब मेरे सांवरिया की बारी है ना मेरे प्यारे, पहरेदार और सख्त हो गए। जब भगवान आते हैं, जब सत्कर्मी आते हैं, तो पाप अपनी जगह स्टैंड हो जाता है, खड़ा हो जाता है, सतर्क हो जाता है, कहीं से कोई सत्कर्म ना हो जाए। लेकिन सत्कर्मी फिर भी सत्कर्म करके चले जाते हैं। सत्य में वजयते होता है, सत्य तो सत्य होता है। इसलिए जब 8वें की बारी तो पहरा और सख्त कर दिया, 14,000 पहरेदार पहरा दे रहे हैं। रात्रि का समय है। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। यहां पर देवताओं ने 9 बार सत्य सत्य कहकर संबोधित किया, और 9 बार सत्य बार 9 बार सत्य सत्य कहा, भगवान की जय जयकार की, जय घोष किया। और भगवान मध्य रात्रि के समय, अंधेरी रात है और कारागार में घोर अंधकार है, देवकी को ऐसा लग रहा है जैसे कोई शिशु जन्म ले रहा है, लेकिन भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान तो हमेशा प्रकट होते हैं। जब देवकी को लगा कि किसी बच्चे का, शिशु का जन्म हुआ है, उसी समय भगवान शंकर चक्र गदा पद्म लेकर चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और जन्म लेते झूठ बोलना शुरू, बोले ब्रज पहुंचा दो मोए, बोले आतन में तकड़ी, पावन में बेड़ी, नार में तोंक, पूछेगो कंस तो कहा बताऊंगो। वसुदेव जी बोले, बोले घबराओ मत, जसोदा मैया की जहाँ मोह छोड़ाओ, माँ एक लाली भैया वा लाली लेके कह दियो मामा ते जी भैया माए जा, तो झूठ बुलवाओगे? बोले बोलो तुरंत झूठ, कोई बात ना है, मैं अतू तुम्हारे संग। और भगवान जब संग हो तो झूठ बोले तो मंडर पो, फिर जैसे के वैसे करो। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तू पाप पुण्य के बारे में सोचना बंद कर दे, बता रहा हूं तुझको, बस मेरा हो जा, तेरे पाप पुण्य सब ठीक कर दूंगा। ऐसे ही जब भगवान साथ में हो तो ये मत सोचना कि हम क्या, जो कहे कर डालो।
उल्टा सीधा भला, कुछ नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। इतना माइंड का ही खर्चा करते हो रे, अच्छी जगह लगाओ, गुरु के वचनों में लग जाओ, गोविंद के वचनों में लग जाओ। बसदेव जी ने कहा बस कन्या को लाके दे देना, कन्या बोल रहे, कह देना जी भैया हमारे घर में तो हमें कहा पा तो हमें तो जी मिली, अब तो कछुना है तो भैया कछू कर लो। बोले ठीक है, बाल स्वरूप बनाओ, बाल स्वरूप बना लिया। बोले भगवान एक बात बताओ, ये पहरेदार बोले घबरा मत, सब सो जाएंगे, बाहर झांक के देखो तो सब सोए गए, इतने में तो सोए गए। भगवान का चक्कर बड़ी तेज गति से चलता है। बोले ये दरवाजे चाबी थोड़ी हम पे, भगवान बोले खोल के तो देखो, हाथ लगाओ सब खुल लो। नेक हाथ लगाए, कुंदा अपने आप खुल के हाथ में गेट सब बाहर खुल, सब तैयारी है, पूरी प्लानिंग के संग आयो, घबराओ मत। बोले कि मैं आऊंगा और जो सब बंधे हुए होगो, तो बोले कैसे बंधे हुए होगो, जैसी लाली आवेगी सब लॉक अगेन, टेंशन नहीं लो, घबराओ नहीं। बोले ठीक है। कन्हैया जैसे ही वसुदेव जी ने सर पे रखा है कन्हैया को, सारे बंधन खुल गए और सब बंधन खुल गए हैं, और अपने आप दरवाजे खुल गए, अपने आप तारे खुल गए, और भैया सब ब्रजवासी हमारे ब्रज में एक रसिया गाओ करें, है सके तो तुम गा लो। चढ़ आई जमुना, कन्हैया को लेके चले ना वसुदेव जी, तो झट जमुना जी चढ़ आई वहां। चढ़ आई जमुना, अचक चढ़ आई जमुना, आवत हो आवत हो आवत देखो तो अचक चढ़ आई जमुना, आवत देखो तो अचक चढ़ आई जमुना, हो चढ़ आई जमुना, अचक चढ़ आई जमुना, हो चढ़ आई जमुना, अचक चढ़ आई जमुना, हो आवत हो आवत हो आवत देखो तो अचक चढ़ आई जमुना, आवत देखो तो अचक चढ़ आई जमुना। सभी बिराज जाए और फूल कोई भी नहीं बरसावेगा कन्हैया पे, कन्हैया छोटे हैं, पंखुड़ी आंख में गिर गई तो लगेगी कि ना लगेगी, बैठ जाइए सब, सभी बैठ के आनंद ले रसिया का, सभी बैठ जाए। चढ़ आई जमुना, अचक चढ़ आई जमुना, हो आवत हो आवत हो आवत देखो तो अचक चढ़ आई जमुना, आवत देखो तो अचक चढ़ आई जमुना। रात्रि में जो भयो ब्रज की गोपीन को पता लगे कि हमारे घर में, यशोदा जी के घर में लाली भई है। अब वसुदेव जी लाली है तो ले गए, लाला है छोड़ गए, और जब लाली है ले गए लाला है छोड़ गए, कंस लाली को मारवे लगे तो लाली आकाश मार्ग में चली गई। आकाश में पहुंच के कह रही है तुम वो काम आ रहे गो, ते माए वा तो ब्रजमंडल में प्रकट है गो। बोले ठीक है। अब यहां ब्रज की बात सुनो, अभी और जब ब्रज में एक सखी बोली अरियो बहन, बोले हाँ, बोले चलने की बधाई दिया में, अरे बोले काय बात की बधाई दिया में, हमारी सास गई वहां, तुम्हारी सास बता रही है कि मां लाली भई, अब लाली को कहा बधाई दे वो। बोले तेरी सास गई तो हमारी सास ना गई का? बोले तो कहा भयो, बोले गजब है गो, हेरी ली लख्याज को भाव मोमन के जग झोरा भयो है, रात में छोरी भई सजनी और भोरई छोरी ते छोरा भयो है। बोले नंद के लाला की जय।
बोलो प्रज रखवारे की जय। बोलो बड़ो आनंद आ रहे हो सब सखी ब्रज मंडल की ओर दौड़ी और आप लोग भी एक साथ ना खड़े हो आनंद के साथ बधाई में मेरे साथ मिलके ताली बजा के गावे मेरे साथ बधाई में।